सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, एक्शन एविलेंस होते होते आज का एक और वीडियो में गाइस। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, सो पहले अगर वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, अगर इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जो लाल कलर का नीचे आप लोग को सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है गाइस, उसको दबा के व्हाइट पे कर दो। एंड उसके बाद जो वाला एक बेल आइकन आएगा उसको आप लोगों को ऑल पे करना है, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ एंड स्ट्रीम्स के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले देखने को मिल जाए। सो गाइज, हाँ, आज के टॉपिक वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज का जो वीडियो है, क्यों आप लोगों को Realme 6 2021 में बाय नहीं करना चाहिए, इसका मैं बहुत सारे रीजंस दूंगा गाइज। एंड आप लोगों को ध्यान से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, सारे रीजंस को आप लोगों को नोटिस करना है। एंड सारे रीजंस से मैं दूसरे फोन्स को भी कंपेयर करूंगा, सो ज़रूर से ज़रूर वीडियो का एंड तक वॉच करो। एंड गाइस, मैं एक साल से Realme 6 यूज़ कर रहा हूं, तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आई थिंक किसी को भी नहीं होगा। मतलब मैं बोल रहा हूं, बट हाँ, मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब एक साल से यूज़ कर रहा हूं, तो समझ पाओगे आप लोग। तो गाइस, पहली बात बताते, देखो Realme 6 में ऐसा कोई मोड पे गेम नहीं है जिसपे मैंने खेला नहीं है। लाइक आप लोग बोल सकते हो T1 मैंने खेला है, T2 मैंने खेला है, T3 मैंने खेला है, फिर उधर स्क्रीम्स को तो साइड में छोड़ दो। फिर अगर हो गए इधर कस्टम रूम, जो कि टूर्नामेंट्स होते हैं, उसको भी मैंने खेला हुआ है। सो अभी क्लासिक्स तो खेलता ही हूँ, एंड TDM वगैरह वो सारी चीज़ें तो अलग बात है। सो वो सारी चीज़ तो मैं खेलता ही हूँ, एंड स्ट्रीम्स भी करता हूँ बाय द वे। एंड गाइस, अगर आप लोगों को बताऊँ मैं, तो Realme 6 यूज़ करते हुए ना मेरे को बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा गेम चलता है, लैग नहीं होता। बट इधर ना एक चीज़ है जो कि मतलब बहुत सारे बंदे आप लोग बोलोगे कि मेरा स्ट्रीम्स देखते हो गाइज आप लोग, मैं ना हमेशा फ़ोन को एक कूलिंग वेदर में रखता हूँ। मैं अगर बोलूँ तो मैं AC फ़ैन दोनों ऑन करके फ़ोन को कूल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि फ़ोन बिल्कुल भी ज़्यादा हीट ना हो। हाँ, ये फ़ोन का एक मेजर जो कि प्रॉब्लम है वो है हीटिंग इशू। एंड गाइज, हाँ, अगर आप लोगों का लाइक फ़ोन है एंड हीटिंग इशू होता है, लाइक हीट हो जाता है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लैग देखने को मिल सकता है, क्योंकि हीटिंग इशू के कारण ना प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा अपने पावर को कम कर देता है, ताकि फ़ोन जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। इस वजह से आप लोगों को लैग देखने को मिलता है गाइस गेम में, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला। एंड गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा कूल वेदर में, मैंने तो पहले ही बोल दिया, मैं रखता हूँ इसी वजह से, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन थोड़ा सा ठंडा है एंड मैं आराम से गेम खेल पाऊँ, स्ट्रीम कर पाऊँ। सो इस वजह से मेरे फ़ोन में उतना भी ज़्यादा मेरे को लैग देखने को नहीं मिलता है गाइस। आप लोगों के सवाल रहता है कि भाई तेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा कैसे स्मूथ चलता है, हमारे फ़ोन तो भाई एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा लैग होता है। कुछ कुछ तो भाई हेटर्स भी आ जाते हैं, भाई बोलते कि भाई तेरा मेरा 20 FPS ऊपर नहीं जाता, तू सबका चूतिया काटता है। ऐसा सीन नहीं है गाइस, सॉरी बाय द वे, मैं गाली वाली नहीं देता, बट निकल गया। हाँ, तो सीन ऐसा है ना कि देखो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों के साथ क्यों झूठ बोलूँगा गाइस। आप लोग खुद देखते हो स्ट्रीम्स मेरे, एंड खुद आप लोग बोलते हो कि भाई हाँ, आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है, एंड ये चीज़ रियली में है। एंड गाइज, अगर मैं बात करूँ तो मैं कैसे स्ट्रीम करता हूँ गाइज, मैं फ़ैन ऑन करता हूँ, AC ऑन करता हूँ, फिर फ़ोन को एक लाइक ऐसे कूलिंग वेदर में रखने की कोशिश करता हूँ, जिस वजह से हीटिंग इशू हो ही ना। इस वजह से मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा कम हीट होता है। एंड हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैं जब स्ट्रीम करता हूँ ना, तब मैं हाई परफॉर्मेंस मोड पे करता हूँ एंड कम्पिटिटिव मोड पे करता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को Realme 6, अगर गाइज आप लोग Realme 6 को कूल नहीं रख पा रहे हो, तो गाइज़ ये फ़ोन लेने का आप लोगों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, तो पोको X3 प्रो जो है, वह भी इस प्राइस कैटेगरी में ना जहर सा फ़ोन है। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा OP फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 860 के साथ। अभी मैं कुछ वीडियोस भी पहले YouTube पे देखते आ रहा कि डोंट बाय पोको X3 प्रो गाइस, डोंट डू दैट। पोको X3 प्रो एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट प्राइस कैटेगरी का, एक बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है। तो गाइज आप लोग आराम से खेल सकते हो पोको X3 प्रो पे, एंड पोको X3 प्रो पे आप लोग को इजीली 60 FPS मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ 90 FPS की गाइज, कोई ज़रूरत नहीं है। आईफोन वाले भी ना 60 FPS पे ही गेम खेलते हैं, आईफोन में, किसी भी आईफोन में 90 FPS आप लोग को नहीं देखने को मिलता। सो अगर जो लोग आईफोन में कम्पिटिटिव खेलते हैं, स्क्रीम्स खेलते, जो लोग ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो अगर आईफोन में 60 FPS में स्क्रीम्स खेल रहे हैं, तो क्या आप लोग पोको X3 प्रो में नहीं खेल पाओगे? ऐसा बात नहीं है, पोको X3 प्रो एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, आप लोग वो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गाइस, इधर सीन बन जाता है ना एक प्राइस का डिफरेंस, कि 18,000 से 17,000 से पोको X3 प्रो आता है। एंड गाइस, आप लोगों के पास अगर मैं बोलूँ, किसी मतलब कुछ कुछ बंदे के पास आप लोगों को लाइक इतना बजट रहता है कि 15,000 से ऊपर जा ही नहीं पाते। एंड कुछ कुछ बंदे का भी 11,000-13,000 का बजट रहता है। सो गाइज, उन लोगों के लिए यार मैं बोलूँ चाहूँगा कि आप लोग Realme 6 ले सकते हो। बट गाइज, इधर मैं एक ही सीन आप लोगों को
दूसरी बार एक और बार आराम से क्लियर करना देता हूँ कि भाई देखो Realme 6 अगर लोगे तो भाई आप लोगों का थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा। पोको एक्स थ्री प्रो से तो बहुत ही मतलब कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पोको एक्स थ्री प्रो में आप लोगों को लैग उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ Realme 6 में आप लोगों को लैग देखने को मिलेगा। एंड इधर मैं बात करूँ हीटिंग इशू की, तो भाई हाँ हीटिंग इशू भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को Realme 6 में। उसको हाँ उसको आप लोग ट्रिक्स यूज़ करके ठंडा रख सकते हो, तो फैन वैन के नीचे खेलो, उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा। बट गाइस हाँ अगर आप लोग Realme 6 ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को हीटिंग इशू देखने को मिलेंगे, लैग भी देखने को मिलेगा। एंड यही मुझे कुछ बताना था, अभी 2021 में अगर मैं लेता गाइज मेरे पास 15,000 भी रहता, लाइक पेरेंट्स ने 15,000 दिया, 17,000 ना पोको एक्स थ्री प्रो का बजट, और 2,000 रुपये अकेले गड्ढा नहीं कर सकते। लाइक देखो मैं अगर बोल रहा हूँ गाइज, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ देखो अगर मेरे पास 15,000 रहता, लाइक मेरे पापा ने दिया मेरे को 15,000, ठीक है, एंड गाइज और 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये तो आप लोग लाइक जमा भी कर सकते हो ना, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पॉकेट मनी से भी तो मिलता है ना कुछ, तो वो भी जमा करके आप लोग 17,000 तक जा सकते हो। अगर हो सके तो गाइज इसको मत ही लो, मैं यही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि गाइज अभी 2021 में गाइज ये लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, एक साल पुराना डिवाइस हो चुका है एंड अभी ये बैकडेटेड ही हो चुका है Realme 6, क्योंकि पोको एक्स थ्री प्रो एक न्यू फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर लेके वो भी स्नैपड्रैगन के तरफ से आता हुआ, सो कोई बात ही नहीं बनता कि आप लोग Realme 6 लो, मैं तो यही बोलना चाहूँगा। एंड गाइज फिर भी आप लोगों को अगर बजट में प्रॉब्लम हो रहा है तो लो, बट मैं इधर एक ही चीज़ बोलूँगा कि गाइज बार बार मेरे को क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार ही आसानी से आंसर दे देता हूँ। हाँ आप लोगों को हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, हाँ आप लोगों को लैग भी देखने को मिलेगा। सो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, गेम खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग इशू लैग आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। सो यही बात है गाइज, एंड अगर आप लोग यार वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, अभी 2021 में ना मत ही लो तो बेटर है, बट हाँ अगर आप लोगों को लेना ही है तो मैंने तो सारे चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अगर मैं बात करूँ कम्पिटिटिव के लास्ट जोन में, लास्ट जोन में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जाता है, बट गाइस हाँ इधर एक क्लियरिटी आप लोगों को दे सकता हूँ कि इतना भी ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलता कि आप लोग गेम ही खेल नहीं पाओ। ठीक है, मैं भी खेलता हूँ यार, मैं Realme 6 से ही खेलता हूँ, मेरे पास भी इतने खजाना नहीं है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस खरीद लूँ। सो यही सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो का एंड तक देखने के लिए गाइज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना देर अगर कोई मेरा प्यारा सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर हो, वीडियो देख रहे हो इतना देर बैठ के, सो गाइज हार्ट के साथ या फिर हैशटैग के साथ एक्शन टेबल नीचे कमेंट कर दो, मुझे देखने कितने व्यूअर्स मुझसे प्यार करते हैं इतना देर वीडियो देखते हैं, प्लीज़ गाइज कमेंट कर देना। एंड गाइज अगर इस चैनल पे न्यू हो तो मेरे प्यारे व्यूअर प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा लो मेरे भाई, एंड आप लोग खेलने आ जाओ मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम बेल आइकन को ऑल पे करने ला ताकि लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आप लोगों को जाए एंड आप लोग खेलने आ पाओ, आप लोग साथ साथ खेलेंगे, टीम कोड देते हो मैं लाइव स्ट्रीम में, सो टीम कोड से खेलेंगे, जल्दी जल्दी आ जाना सब्सक्राइब कर लो। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो, उन लोगों को बोलो कि क्यों आप लोगों को 2021 में Realme 6 नहीं बाय करना चाहिए। एंड गाइज हाँ मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, सब्सक्राइब प्लीज कर देना, बाय बाय। देख अब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रहे हूँ गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे। सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।